अब तक हमने सीखा भाव, ग्रह और राशियों की दिशाएं। ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कैसे व्यवस्थित होते हैं। अब हम नक्षत्रों पर पूरी जानकारी लेंगे। हमारे ब्रह्मांड को 360 डिग्री में बांटा गया है, उसमें 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र ही हमारी 12 राशियां हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं वीना कपिल आपका ज्योतिष क्योरी चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है नक्षत्र ज्ञान। हमने जाना कि इन 27 नक्षत्रों को आगे 12 विभागों में बांटा गया है। ये 12 विभाग ही हमारी 12 राशियां हैं। हर नक्षत्र के 4 भाग होते हैं, जिन्हें हम चरण कहते हैं। एक राशि में 9 चरण अर्थात 2 नक्षत्र पूर्ण तथा तीसरे नक्षत्र का 1/4 भाग लेते हैं। आप जानते हैं कि माला के मोती 108 क्यों हैं? 27 नक्षत्रों को जब हमने 4 से गुना किया तो उत्तर हुआ 108। अर्थात उस काल पुरुष से हमारा पूर्ण जुड़ाव। हम एक बार फिर समझते हैं कि ये हमारा ब्रह्मांड है जो कि 360 डिग्री का है। हमारे 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री और 20 अंश होता है। सभी नक्षत्रों के बारी बारी 4 भाग होते हैं। एक नक्षत्र का एक चरण 3 डिग्री और 20 अंश का होता है, क्योंकि एक राशि में 2 पूर्ण नक्षत्र तथा नेक्स्ट नक्षत्र का 1/4 भाग अर्थात कुल 9 चरण हुए। हर राशि में 9 चरण अर्थात 3 डिग्री 20 अंश गुने 9 इक्वल टू 30 डिग्री। अब तक हमने जाना कि नक्षत्र की दूरी 13 डिग्री 20 अंश है और राशि की दूरी 30 डिग्री है। हमारा भचक्र हुआ 360 डिग्री। एक राशि 360/12 तो प्राप्त हुए 30 डिग्री। एक नक्षत्र 360/27 प्राप्त हुआ 13 डिग्री 20 मिनट। एक चरण 360/108 प्राप्त हुआ 3 डिग्री 20 मिनट। डिग्री अर्थात अंश, मिनट अर्थात कला, सेकंड को विकला बोला जाता है। चंद्रमा के पथ में पड़ने वाले तारों का समूह जो सौर जगत के भीतर नहीं है, इनकी कुल संख्या 27 है। प्राणों में इन्हें दक्ष प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है जो सभी चंद्रमा को ब्याही गई थी। इनमें से चंद्रमा को रोहिणी सबसे प्रिय थी, जिसके कारण चंद्रमा को शापग्रस्त भी होना पड़ा था। नक्षत्रों का महत्व वैदिक काल से ही चला आ रहा है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रत्यक्ष आँखों से हम देख नहीं सकते। धरती पर हम एक शहर से दूसरे शहर तक, एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं तो उस दूरी को किलोमीटर्स में नापते हैं, किंतु ब्रह्मांड में एक सितारे से दूसरे सितारे की दूरी को प्रकाश वर्षों में नापते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर दूरी तय होती होगी? ठहरिए, पहले हम जानते हैं कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर पाते हैं। तो दोस्तों, एक सेकंड में 1,80,300 किलोमीटर की दूरी एक प्रकाश किरण तय कर लेती है। एक मिनट में 1,18,18,000 मील। अब आप तो ये भी जानते हैं कि मील किलोमीटर से भी कुछ बड़े होते हैं। अब देखते हैं कि एक घंटे में कितनी दूरी तय हुई। एक घंटे में 70,90,80,000 मील दूरी कर जाती है तय। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी। माय गॉड, बहुत दूरी। सूर्य का प्रकाश धरती पर हमारे पास पहुंचते पहुंचते 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। एक वर्ष में 9.46/10 की घात 12 किलोमीटर। अब देखिए कितनी हो गई, एक वर्ष में कितनी ज़्यादा दूरी तय हुई।
क्योंकि खगोलीय दूरी को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। पर आपको पता है कि प्रकाश वर्ष से भी बड़ा पार्सेक वर्ष होता है। पार्सेक इससे भी बड़ी इकाई है, जहाँ ये कह लीजिए कि एक पार्सेक की दूरी 3,26,00,000 प्रकाश वर्ष होते हैं। इस सब को समझने की आसान विधि है ज्योतिष। फिर भी कुछ महानुभाव कहते हैं ज्योतिष क्या है। इससे केवल इतना ही ज्ञान होता है कि चींटी हाथी को देख नहीं पाई, उन्हें इस विद्या को सीखना चाहिए, तभी वो इसकी महानता को जान पाएंगे। मित्रों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, जो कि सबसे प्राचीन है, ज्ञान से भरा पड़ा है। आज के वैज्ञानिक जिस खोज में अभी शुरू ही हुए, वे सब खोजें हमारे ऋषियों द्वारा अर्थात हमारे पूर्वजों के द्वारा 5,300 वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। कुछ पोंगा पंडित और कुछ ऐसे लोग जो नए नए धर्मों की आड़ में अपनी ही सनातनी विरासत को धूमिल कर रहे हैं। मैं अपने पूर्वजों की इस शिक्षा को घर घर तक ले जाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, कमेंट कर अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि आप सब बहुत ज्ञानी हैं। आपके सुझाव मेरा मार्गदर्शन भी करेंगे और मुझे उत्साहित भी करेंगे। आप भी पुण्य के भागी बने। आपका एक शेयर मेरे इस मिशन को नया जीवन दान देगा। मित्रों, समाज में 2 प्रकार के पेड़ होते हैं। प्रथम वे जो अपना फल स्वयं ही दे देते हैं, जैसे आम, अमरूद, केला इत्यादि, और दूसरे अपना फल छिपा कर रखते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज इत्यादि। जो अपना फल अपने आप दे देते हैं, उन वृक्षों को सभी खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, किंतु जो अपना फल छिपा कर रखते हैं, वे जड़ समेत खोद लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो जीव अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं ही समाज सेवा में, समाज के उत्थान में लगा देते हैं, उनका सभी ध्यान रखते हैं, अर्थात मान सम्मान देते हैं, वही दूसरी ओर जो अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वार्थवश छिपा कर रखते हैं, किसी की सहायता से मुख मोड़ते हैं, वे जड़ समेत खोद लिए जाएंगे, अर्थात समय रहते ही भुला दिए जाते हैं। केयर, ओम नमः शिवाय।